आप अपडेट्स सही तरीके से देख भी पा रहे हैं या नहीं। और अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम से लाइव ही कर दिया जाए, तो आपको लाइव मेट्रो अपडेट्स दिखाई जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा सेटअप लगेगा और कोशिश रहेगी कि आपकी जो फरमाइश है उस लाइव में वो हाथों हाथ पूरी भी कर दी जाए। तो ये आइडिया कैसा है मुझे बिल्कुल बताइएगा। अगर हुआ तो नेक्स्ट टाइम से यूट्यूब लाइव करके हम अपडेट्स आपको दिखाएंगे। किसी दोस्त को अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और देखना है, जानना है, तो हम वहाँ जाके उनके जानकारों से जो है चर्चा कर लें। तो ये क्यूरियोसिटी है मेरे को, आपको भी क्या ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है? तो अपन ऐसा लाइव प्लान कर लेंगे, आप बताएं कमेंट करके मुझे। अभी तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेशन दिखाता हूँ जो कि है अभी हमने देखा था ये। बाद आपको अंदर तक है, कुछ भी नहीं है, देखो इवन कलर तक हो गया है, बाउंड्री वॉल तक कंप्लीट हो चुकी है अंदर, तो इनको पेंट कर दिया गया है। हो, नेक्स्ट हमारा मेट्रो स्टेशन इंफोसिस। तो इसकी भी रूटिंग का काम चालू हो चुका है, इट्स क्वाइट अमेजिंग। ये साइड वाले पोर्शन का भी काम चल रहा है अभी। ध्यान तो नहीं भटका रहा ना, ध्यान तो नहीं भटका रहा हूं। चलो उनको बोलने के चक्कर में आपको थोड़ा सा लाउड वॉइस आ गई होगी, तो ट्राई टू मैनेज, बट कंसंट्रेशन बिगड़ता है यार दोस्तों। देखो नहीं तो हम तो अभी चर्चा कर सकते थे उनके साथ। और ये सेकंड अभी आप देखो यहाँ से पूरा कॉन्क्रीट मटेरियल जो बनता है नीचे वो ऊपर तक ले जाएंगे अभी। वो ऊपर भी अभी काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। जैसा कि मैंने कहा आपको, स्टेशन का फुर्ती जो है तेजी के साथ दिखाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों लाइफ में। अगर लाइफ में अगर आप अभी हम होते हैं तो शायद आपके कुछ सवाल होते जो आप पूछना चाहते हैं, जो मैं आपके बिहाफ पे पूछ सकता हूँ इन लोगों से। तो ऐसा कुछ हम प्लान करने वाले हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो बताइएगा। पता ही है, ब्रिज आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम क्या गए हमारे सिम्बायोसिस मेट्रो स्टेशन पर। ओहो, जिसके भाई साहब एस्केलेटर भी लग गए हैं, जो काम अभी वहाँ चल रहा था यहाँ काम वो हो चुका है। तो थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो बचा होगा, बाकी ये देखो आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये चीज़ें कंप्लीट होते हुए देख पा रहे हैं हम, कि कल तक हम जिसे अधूरा अधूरा ही देख रहे थे, आज वो बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। यहाँ तो एस्केलेटर भी लग भी चुकी है भाई साहब, और शायद से चालू भी है। तो अब जब तक काम पूरा नहीं होगा इनको ही ध्यान रखना है इसका भी, कि ये ब्रोक ना हो जाए। नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ से चलेंगे अब सीधे नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अंदर से नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि अंदर से जाएंगे तो आपको कुछ व्यू नहीं दिखा पाऊँगा मैं।
और ये हमारी बिंदास वाली राइड, रियल हॉर्स पावर के साथ हम भी अपडेट्स दिखाना चाहेंगे आपको। इसके बाद अगेन ब्रिज का आप देखेंगे, हाल तो पूरा हो चुका है, रोड है वो भी खोल दिया गया है, हम जाने का भी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे कि हम बाहर से आ गए हैं। और आप बताएं, आप जा सकते हैं बीच में, थोड़ा वापस नहीं बोल चुका है। नेक्स्ट हम जो मेट्रो स्टेशन कवर करने वाले हैं वो है, तो किसी ने नाम बताया था पर मैं नाम भूल गया हूँ यार, आपको याद है क्या उसका नाम? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ से आप अगर देखें तो इसका भी रूफिंग का काम चालू हो गया भाई साहब। और ये हमारे साथ हो गई है चोट, जो कि रास्ता हो गया है बंद और आगे जाने का कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। पर हम थोड़ा सा तो खुराफाती करेंगे दोस्तों, क्योंकि देसी लोग हैं, इतना पीछे तो नहीं जाने वाला हूँ, कहीं तो साइड से रास्ता ढूंढ ढांढते वही क्या दो आपको अपडेट दिखाई ना। यहाँ से तो पूरा रास्ता भी बंद है। ओके, पत्थर से चढ़ेंगे ऊपर और इस पत्थर से हम उतरेंगे नीचे और उसको दम रखते हैं और आगे चलते हैं। चलाओ, चलो इसी के साथ तो भाई बेटा अच्छा लग रहा है, फिर फोटो तो बनता है एंड थैंक्स टू मी, अपने समझदारी दिखाई और इतना लंबा वापस हमको जाना नहीं पड़ा। तो जो आपने अभी देखा वो पीछे शायद से इसके भी पेडिस्ट्रेट का जो काम है अब शुरू हो चुका है, तो यहाँ से अब इसका भी ये ओहो तो से साइड से जा रही है, ले चलो घर एक गाड़ी तो ये इसके चढ़ने का ये पेडिस्ट्रेट ये है, तो ये यहाँ से कुछ तो गणित करेंगे जिससे आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो ये कुछ नया देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उधर शायद से जमीन नहीं थी। तो जी हाँ, अब ये रास्ता पूरा जो अभी है ब्लॉक, आप जाए हैं तो यहाँ से नज़ारे देख सकते हो और वहां पर भी आप देखिए मेट्रो डिपो का जो काम है वो भी बढ़िया चल रहा है। हमारा बागेश्वर जी के जो पंडाल है वो एक बना था, एक इधर देवकीनंदन जी का पंडाल बन गया है। तो जब यहाँ पर ट्रेनें नहीं आएगी तो अब यहाँ पर जो है कथा का आयोजन किया जाएगा, आप सभी जो है सनातनी इनवाइटेड है। हाँ हाँ देखो, शुरू दिन से आई एम इन लव विद दिस मशीन गाइस, और इनका जो इतना जो जाइंट जो रूप होता वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज कर देता था पहले ही दिन से, जब सिर्फ ड्रिलिंग फाइलिंग मशीन हुआ दिखती थी ज़्यादा, और अब ये दिखने लगी है। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस आई एम इन लव विद द प्रोसेस, इवेंचुअली फाइनलाइज तो हो ही जाएगा तो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये अभी देखने
दिस इज हियर टू स्टे, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि एक दिन में खत्म हो जाओ। वो देखो वो एकदम गलिया खड़ा हुआ भाई एकदम, इतने छोटे छोटे लग रहे हैं यार इंसान। मेट्रो स्टेशंस की इस दौड़ में ये हमारा लास्ट स्टेशन, गांधीनगर मेट्रो डिपो। पर हम यहाँ पर नहीं फिनिश करेंगे एज यूजुअल जो हम कर देते थे, क्योंकि दोस्तों ने बोला है कि आगे का भी आप काम दिखाइए, क्योंकि आगे भी काम चल रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम आपको आगे भी कितने का काम हुआ है, चल रहा है, वो दिखाने की। मेट्रो डिपो तो बढ़िया ही चल रहा है भाई साहब। और ये देखो तो लेफ्ट में इधर भी टाइलिंग हो गई है, और ये यहाँ से टर्न लेकर बाहर की तरफ निकल पड़ा हमारा रास्ता, जिसको हम फॉलो करते हो। ओहो, यहाँ पर भी ब्रिज बन चुका है दोस्तों। मेरे लिए तो मैंने गांधीनगर मेट्रो स्टेशन जो है वही आखिरी समझा था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से भी जो है एयरपोर्ट से भी तो लोगों को यहाँ तक लाना पड़ेगा ना, तो ये लाइन जो है एयरपोर्ट तक एक्सटेंड करने की प्लानिंग की गई है, जिसमें आप का वहाँ से कनेक्टिविटी तो पीछे से जो थी वो तो देख ही ली थी हमने, यहाँ से अब जो कनेक्टिविटी है ये आगे की तरफ देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये हाइट आप कम होती हुई देख पा रहे हो, क्योंकि अब ये धीरे धीरे से अंडरग्राउंड होगा। जैसे आपने बाहर मेट्रो स्टेशन को देखा होगा, तो ये देखिए पाइलिंग अभी धीरे धीरे धीरे, अब ये छोटी और इसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड, ये यहाँ से। तो हाल फिलहाल तो यहीं तक थी हमारी मेट्रो की जर्नी। मैं आपका दोस्त रोहित आप लोगों से अब चाहूँगा इजाज़त। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। आप लोगों को कैसा लगा मेरी अपडेट सुन के, क्योंकि इस बार शक्ल नहीं देख पाए। तो अगर अच्छा लगा हो तो जो हर बार करते हो कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मनोबल बढ़ा रहे। और बाकी तो फिर चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।